वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट अल्लाह के फजल और करम से। भाई आज हमारा ये व्लॉग होने जा रहा है जिम के ऊपर। आज मेरा फर्स्ट डे होगा जिम पे। और आबिद भाई कैसे? मेरा मतलब पहला दिन है आज तो। आज आपका पहला दिन है और हम लोग तो डेली बेसिस पे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ने बोला कि चलो जिम चले, हमने कहा चले भाई। आप ऐसे भी काफी मोटे हो गए यार। वैसे हो गया मोटा, थोड़ा बहुत हो गया, इतना नहीं हुआ। मोटा नहीं बोलो यार, मोटे नहीं, दिल से तकलीफ हो गए बहुत ज्यादा। चलो बहुत ज्यादा ओवर हेल्दी हो गए, तो आपका थोड़ा सा हमने कहा कि जो वजन है वो कम कर दिया जाए ताकि आप स्मार्ट लगे हमारी तरह। हो जाऊंगा, कितने दिन लगे कंफर्म बताओ। देखें ऐसे लगने को तो अक्सर तो लोग करते हैं, महीनों लग जाते हैं। सही। पर मेरी कोशिश आपकी यही रहेगी कि आपको एक मंथ के अंदर ही आपको बहुत ज्यादा फर्क। एक मंथ में? एक मंथ देखते हैं यार, एक मंथ तुम्हारा ये हो जाए कम्प्लीट। बोला चलते हैं अभी हम, टाइम भी हो गया है, 7 बजे हम जाते हैं और 7 बज चुके हैं। चलो चलते हैं हम अभी। चले भाई चलते हैं। और ये है आबिद भाई का ठिया, जो जूस वगैरह जहाँ पे हम हेल्दी होते हैं। बाद में इसको ये फ्री वाला वो गिलास भी एक होता है फ्री वाला पिलाएंगे जिम से। आप पिलाएंगे भी पिलाएंगे आप। चले सर चलते हैं जिम पे। और ये हमारा शहजादा, बच्चियां इस पे फिदा ऐसे होती हैं जैसे ये मक्खन था। फिटनेस वर्ल्ड लेडीज एंड, अबे लेडीज भी होती है हम पे। भाई हम अभी पहुंच चुके हैं अपनी जिम और मेरा दूसरा दिन है। मैं अभी फीस वगैरह इधर दूंगा। बाकी हमारे दोस्त पहले से आते रहते हैं तो चले चप्पलें हमें इधर ही उतारनी पड़ेंगी। चलते हैं जिम एंड फीस जमा करवा के फिर। यहाँ पे आपकी सबसे पहले तो एंट्री होती है, देन जो फीस होती है इसकी वो फीस पे करते हैं। उसके बाद आप ये वाली प्रॉपर तरीके से आप कर सकते हो जिम। वेरिफिकेशन है ये भाई। अगर आप लोग जिम पहुंच भी गए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले पानी पीना चाहिए। ओह माय गॉड, ये उसके बाद जिम स्टार्ट करने। कैसे गौरी भाई? बिल्कुल, हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी का भी। मैंने अपना जो ट्रेनर रखा हुआ है ना गौरी भाई को रखा है, क्योंकि ये इसके ये चेक चेक करो। ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। क्या बात है। चलो यार पहले आज पहले कल आया था वो फर्स्ट डे था, दूसरा दिन ने स्टार्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। और ये हमारा ये भी नया जिमर बन रहा है, इसकी इस बच्चे की भी बड़े क्या बोलते हैं इसको चेस्ट वगैरह बन रही है। तो चले पानी पीकर फिर स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन जब आप जिम में आ रहे हो तो वो पहला यही है। ये लोग कर रहे हैं, ये पता नहीं कितने मारेंगे, क्या बोलते हो? ये भाई मैं उधर बैठा हुआ हूँ और ये व्लॉगिंग हमारी हो रही है। वन गोरी 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 मैं इस वाले बंदे को मैंने पिक किया है, देखते हैं कौन जीतता है। वो तो पहले अभी एंड होने वाला है। हाँ सेकंड नंबर हमारा ये आता है पुल अप पुशअप्स के बाद, जो ये हमारे ट्रेनर भाई लगा रहे हैं और ये अभी इंतज़ार में। लो भाई कितने लगाते हैं देख लें। बाकी ये सब प्रॉपर ये होता है वेट लूज के लिए, ये जो लोग कह रहे हैं। और ऊपर हो गया। अब ये हमारे दूसरे भाई हसन भाई अ अ अ अ अ आ जाता है स्टेप नंबर 3। अब ये कौन सा स्टेप है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिम है भाई। और ये हमारे गोरी भाई फुल हेवी वाला सीन। और ये सामने में अपनी व्लॉगिंग करते हुए। तो यार कोई बंदा नया देख रहा है तो पहले तो वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल। ये गोरी भाई ट्रेन करते हुए, ये अभी नया है तो सीख जाएगा ये भी। बाकी अगर आप जिम करने जा रहे हो तो भाई स्पेशली ट्रेनर होना चाहिए आपके पास, तभी आप सीख पाओगे। वैसे तो ऐसे नहीं होता, जैसे अभी ऐसे समझा रहे सिखा रहे इस तरीके से आप मतलब सीख सकते हो प्रॉपर। सीधा खड़ा हो, आगे जो हाँ
लिटरली यार ये वाला जो स्टेप था ये मुझे खुद ही समझ नहीं आई इसकी, इतना डिफिकल्ट था। लेकिन अभी ये सांस चल रही है, मैं जस्ट मार के आया हूँ, तो अभी ये फिर से वजन बढ़ा दिए अभी साहब ने, फुल ट्रेनिंग के मूड में। हाँ हाँ इस तरीके से क्या निकाल के बैग निकाल के, हाँ सही से बात करना। चलो दूसरा स्टेप मेरा रहता है वो लगा लूँ, फिर चलते हैं आगे। उसके बाद आ जाता है ये चेस्ट वाला जिस पे आप क्या कर सकते हो, पहले ये अभी गुम है, इसके बाद मेरी बारी। दो तीन, ये मनीर, पाँच छः सात आठ, बस 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 बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है भाई। 25 से भाई ने 30 कर दिया है, क्यों भाई? 30 किलो के वेट बढ़ाएंगे तभी तो वेट गेन होगा यार। पहले से मेरी तबीयत इतनी खराब हुई पड़ी है, आप किसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपके अभी बस जे बस जे पे इतना हैवी करूँगा। ये देखो ये छोटा सा क्या है जो कि इसकी लिटरली क्या बनाएगा अपनी बच्चा शर्मा, बच्चा शर्मा आ गया यार बॉडी बनाने की। नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर, नहीं कर। क्यों नहीं करे, क्यों नहीं करे, अभी शर्मा क्यों रहा है? तुम्हारा क्या लगता है? हाँ मेरा भाई, भाई है तो वो अच्छे से कर रहा है, और शर्मा क्यों रहा है तू? जिम करने आए ना? मैं लड़की हूँ। लड़की है, कहाँ है तेरे वो? यार अजीब लड़के यहाँ पे भी आते हैं। तो हम आ रहे थे अपने चौथे स्टेप के लिए, ये छोटा बच्चा इसकी बातें आप लोगों ने लड़का, हाँ तू है लड़का ही है भाई, तू लड़का ही है, देख लो थोड़ा हट जा। पहले कहता है मैं लड़की हूँ, अब कहता है लड़का है, चल सही है यार, चल आगे चल। अरे गुंगे, गुंगे इसकी वीडियो में। यस यस यस, सीनों का डेरे करे मैंने तो, सीने थे सीने थे, सीनो करना वही दे दी थोड़ो। फिट है बॉस, बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। पाँच छः छः से तो ऊपर करिए, नौ अच्छा ये दस ग्यारह बारह, बस कर दे भाई तेरी बातें ही हैं बस, समझे तुम। ये वाली कौन सी है? ये बैग बिल्कुल, ये जो हमारी लोअर बैग होती है हाँ हाँ के लिए बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, ये हमारी लोअर बैग को मजबूत बनाती है बहुत ज़्यादा। मैं लगा लूँगा। हाँ आप लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। चलिए लेट्स सी, ट्राई करते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि बनेगी कैसे, आपको पता लग जाएगा जब आप ना। ये अच्छा ये प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी ना, फिर सब समझ आएगा। अभी हम फिलहाल ही नए बने वैसे यार, तुम्हारा लुक बड़ा अच्छा आ रहा है, तुम्हारा भी, ये भी हमारा प्यारा सा बच्चा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। फाइव केज, फाइव और लगा है। ये होता है वेट का, जब आप जिम करने आते हो तो प्रॉपर आपको ट्रेनर एक चाहिए होता है जो आप मतलब हेल्प करे, ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये देख लो भाई इस तरीके की होती है जिम, और ये वाली हालत हम पड़ी है हमारी, लिटरली दूसरा दिन है और तबीयत अभी से।
अच्छा ये इस तरीके से होगा, ये सही सही सही। बस 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 नया बंद है बस, बात उभर रहे हैं बहुत ज़्यादा भाई की, कि मैं भी अभी बना लूँगा एक महीने के अंदर, पर एक महीने में नहीं बन सकता। जो बोलते हैं जिम करना आसान है, नानी है जिम में अपने आप में एक जाति है, जिसम पर जाति करना। किसके लिए जिम करना? जिसम का रेट है। किसके लिए जाति करना? खुद के लिए, दूसरों के लिए। समझ रहे हो? हाँ ये होती है असल चीज। तेरी शोल्डर भाई टाइट है, तू कब से कर रहा है? मुझे भाई एक हफ्ता भाई की मेहरबानी है, भाई लेके आया मुझे। चलो भाई ये सबको जिमर बना देगा, खुद को देगा भाई। जस्ट वन मिनट, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, और वो ये है यार, अपना ये शोल्डर ऊपर करो थोड़ा सा आबिद भाई। वाह 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 जबरदस्त, नाइस। ये बॉडी ऐसे नहीं बनती, यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। पे अभी लास्ट में ये वजन चेक कर रहे हैं कितना हो गया मेरा, ये मेरा बन रहा है 24। मैं अभी जिम से निकल आया हूँ बाहर, और जिम हमने थोड़ी बहुत कर ली जितनी भाई करनी थी, और पसीने छूट रहे हैं बिल्कुल ही। अभी जा रहे हैं अपनी घर की तरफ, खाना वाना खाएंगे, फिर जो सीन है वो करते हैं। चलो एडजस्ट कर लेंगे यार। हम पहुंच चुके हैं अभी घर, और भाई हालत तो हमारी हो गई थी जिम में बिल्कुल टाइट, क्योंकि जिम करना इतना आसान नहीं है, और आसान भी है यार अगर आप प्रॉपर कर रहे हो तो आपको जो थकावट है और जो दर्द हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वो जल्द आएगा इंशाल्लाह। प्रॉपर यार डेली लाइफ में मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा फिलहाल, इंशाल्लाह वो भी करूँगा। आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो, लाइक वगैरह शेयर मैंने आप लोगों को बोलता ही नहीं हूँ यार, इस वजह से मैंने कहा खुद ही कर देंगे, लेकिन अब बोलना पड़ेगा यार। जाओ पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो भाई के चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे स्पेशली दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफिज़।